नमस्कार, स्वागत है आपका द प्राइम भारत में। मैं हूं अभिषेक गजेंद्र मुन्ना। देश में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और सरकार ने कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन करने का फैसला किया। देश अभी लॉकडाउन में है, इसमें घर में रहें और सुरक्षित रहें। इस विशेष में है मोहम्मद रफ़ी साहब के जीवन को आपको दिखाने जा रहे हैं, तो देखिए ये रिपोर्ट। ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी, जिसे फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब। मोहम्मद रफ़ी, जिन्हें दुनिया रफ़ी या रफ़ी साहब के नाम से बुलाती है, हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठतम पार्श्व गायकों में से एक थे। अपनी आवाज़ की मधुरता और परास की अधिकता के लिए इन्होंने अपने समकालीन गायकों के बीच एक अलग पहचान बनाई। इन्हें शहंशाह तरन्नुम भी कहा जाता है। ऐसे उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। आरंभिक स्कूली पढ़ाई कोटला सुल्तान सिंह में ही हुई। जब मोहम्मद रफ़ी करीब 7 साल के हुए, तब उनका परिवार रोजगार के सिलसिले में लाहौर आ गया। इसके परिवार का संगीत से कोई खास सरोकार नहीं था। जब रफ़ी छोटे थे, तब इनके बड़े भाई की नाई की दुकान थी। रफ़ी का काफ़ी वक्त वहीं गुजरता था। कहा जाता है कि रफ़ी जब 7 साल के थे, तो वे अपने बड़े भाई की दुकान से होकर गुजरने वाले एक फ़कीर का पीछा किया करते थे, जो उधर से गाते हुए जाया करता था। उसकी आवाज़ रफ़ी को पसंद आई और रफ़ी उसकी नकल किया करते थे। उनकी नकल में अव्वलता को देखकर लोगों को उनकी आवाज़ भी पसंद आने लगी। लोग नाई की दुकान में उनके गाने की प्रशंसा करने लगे, लेकिन रफ़ी को स्थानीय ख्याति के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। इसके बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने इसके संगीत के प्रति इनकी रुचि को देखा और उन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास संगीत शिक्षा लेने को कहा। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में, रात हो गई, तूने काजल लगाया। एक बार आकाशवाणी लाहौर में उस समय के प्रख्यात गायक अभिनेता कुंदन लाल सहगल यानी केएल सहगल अपना प्रदर्शन करने आए थे। उनको सुनने हेतु मोहम्मद रफ़ी और उनके बड़े भाई भी गए। बिजली गुल हो जाने की वजह से सहगल ने गाने गाने से मना कर दिया। रफ़ी के बड़े भाई ने आयोजकों से निवेदन किया कि भीड़ की व्यग्रता को शांत करने के लिए मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका दिया जाए। उनको अनुमति मिल गई और 13 वर्ष की आयु में मोहम्मद रफ़ी का ये पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। प्रेक्षकों में श्याम सुंदर, जो उस वक्त का प्रसिद्ध संगीतकार थे, ने उनको सुना और काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को अपने लिए गाने का न्योता दिया। मोहम्मद रफ़ी ने अपना पहला गीत पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए 1944 में श्याम सुंदर के निर्देशन में गाया। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी संग संग। मोहम्मद रफ़ी को उनके परमार्थों के लिए भी जाना जाता है। वो बहुत हसमुख और दरिया दिल थे तथा हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। कई फिल्मी गीत उन्होंने बिना पैसे लिए या बेहद कम पैसे लेकर गाए। अपने शुरुआती दिनों में संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नाम से जाने जाते थे के लिए उन्होंने बहुत कम पैसे में गाना गाया। गानों की रॉयल्टी को लेकर लता मंगेशकर के साथ उनका विवाद भी हुई।
उनकी दरियादली का सूचक है। उस समय लता जी का कहना था कि गाने गाने के बाद उन गानों से होने वाले आमदनी का एक अंश गायकों तथा गायकों को मिलना चाहिए। रफ़ी साहब इसके खिलाफ थे और उनका कहना था कि एक बार गाने रिकॉर्ड हो गए और गाय गायकों को उनकी फीस भुगतान कर दिया गया हो तो उनको पैसे की आशा नहीं करनी चाहिए। इस बात को लेकर दोनों महान कलाकारों के बीच मनमुटाव हो गया। लता ने रफ़ी के साथ सेट पर गाने गाने से मना कर दिया और बरसों तक दोनों के कोई युगल गीत नहीं आया। बाद में अभिनेत्री नरगिस के कहने पर दोनों के साथ गाना चालू किया। जेफ थिप फिल्म में दिल पुकारे गाना गाया। उनका देहांत 31 जुलाई 1980 को हृदय गति रुक जाने के कारण। तो कैसा लगा यह आपको, ये हमें ज़रूर बताएं। साथ ही द प्राइम भारत को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।